हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफर 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे मॉर्निंग में आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स और थॉट्स आपके लिए क्या हैं। आज सुबह आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में है। ओके व्यूअर्स, तो रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जोडिक साइंस के लिए है। मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। आप चाहें तो इस रीडिंग को अपने क्रश के लिए, अपने हस्बैंड वाइफ के लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए देख सकते हैं, या फिर कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके बारे में आप सोचते रहते हैं और जानना चाहते हैं उस इंसान की सोच और फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, तो ये रीडिंग आप उस इंसान को सोचकर भी देख सकते हैं। ओके बस, तो ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है। रीडिंग में एंड तक बने रहें। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं। हमारे पास कार्ड्स आए हैं क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द हैंग्ड मैन, थ्री ऑफ वांड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, पेज ऑफ वांड्स एंड द हाई प्रेस्टेज। और सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर साइन है वो फायर साइन में सिंह धनु एरीज लियो सेजिटेरियस है, और अर्थ साइन मकर वृषभ कन्या कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो है। ओके व्यूअर्स, तो ये आपके साइन या फिर आपके पर्सन के साइन हो सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर एक ऐसे पर्सन की एनर्जी नज़र आ रही है जो इंसान हैंग्ड हो गया है। वो सोच रहा है कि आपको क्या जवाब दे। आपने इस पर्सन से कुछ सवाल किए हैं, इस पर्सन को जानने के लिए आपने इस पर्सन से कुछ सवाल किए हैं, पर ये पर्सन अब तक जो कुछ भी अपने मन में छुपाए हुए हैं, सोच विचार में लगे हैं कि उसे बताएं कि नहीं बताएं। तो ये पर्सन काफ़ी सीक्रेटिव किस्म का इंसान है और खुलकर आपके सामने अभी तक नहीं आ पाया है, इसीलिए आपने इस पर्सन को जानने के लिए इस पर्सन से कुछ सवाल किए हैं, जिनके जवाब ढूंढने में ये पर्सन अभी भी लगा हुआ है। ये पर्सन चाहता है कि आपको जवाब देना, पर चाहता है कि एक ऐसा जवाब दे जिससे आप हर्ट भी ना हो और ये पर्सन अपनी बात भी कह दे, आपको उसका जवाब भी मिल जाए। तो ये पर्सन हैंग हो गया है, इसी सिचुएशन में ट्रैप्ड लग रहा है कि क्या जवाब दे, तो जवाब ढूंढने में लगा है ये पर्सन। इस पर्सन के दिल में आपके लिए फीलिंग्स की अगर हम बात करें तो फीलिंग्स हैं, इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं, पर थोड़ा सा फ्लर्टिंग टाइप का इंसान हो सकता है कि ये पर्सन इसी तरह हमेशा ही अपनी ज़िंदगी को जीते रहे हैं, जिस तरह से इस पर्सन पर कोई बर्डन आए, किसी तरह का कोई स्ट्रेस ना आए, ये पर्सन एकदम केयर फ्री लाइफ जीता रहा है। और अभी भी ये पर्सन एक ऐसे ही वक्त का इंतज़ार कर रहा है जहाँ पर ये पर्सन धीरे 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 आपसे दूरी बढ़ा ले और आप हर्ट भी ना हो। तो ऐसा लग रहा है ये पर्सन किसी भी रिश्ते में पूरी तरह से बंद कर नहीं रहना चाहता, बस कुछ टाइम के लिए ही इस पर्सन ने आपसे ये रिश्ता बनाया हो सकता है, या फिर ऐसा लग रहा है कि अभी ये पर्सन इतना सीरियस नहीं है इस रिश्ते को लेकर, इसलिए इस तरह की थिंकिंग इस पर्सन के मन में चल रही है। अपने बारे में खुलकर अभी तक इस पर्सन ने इसलिए नहीं बताया है क्योंकि ये पर्सन पूरी तरह से श्योर नहीं है इस रिश्ते को निभा पाएगा कि नहीं निभा पाएगा, इसलिए ये सिचुएशन बनी हुई है। पर भाग्य ने आपको मिलाया था, भाग्य ही इस पर्सन की हकीकत आपको दिखाएगा। बहुत जल्द इस पर्सन की हकीकत आपके सामने आएगी, आप जो भी जानना चाहते हैं इस पर्सन के लिए वो आप जान पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। ओके बस, तो ये थी आपकी रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।